तो आज हम सी प्लस प्लस में सीख रहे हैं कि स्मार्ट बिलिंग ऐप कैसे बनाएंगे जो हमसे रिटेल प्राइस और क्वांटिटी का इनपुट ले, फिर हमें वो टोटल करके दे, फिर हमसे डिस्काउंट का इनपुट ले और फिर वो हमें उसका नेट टोटल निकाल कर हमें वापस दे। तो इस सिलसिले में हमें सबसे पहले क्यू फाइल लेनी है, सेव कर लेना है और बेसिक प्रोग्रामिंग कोड आई ओ स्ट्रीम, ठीक है, और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंटीजर मेन क्लिक करेंगे यहाँ से, और ठीक है यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे हम जाके सिस्टम पास रिटर्न जीरो, ये बेसिक प्रोग्रामिंग कोड हमने लिख दिया। अब हम शुरू करेंगे, सेव करते हैं अपना वॉइस और क्लास फोर स्मार्ट बिलिंग ऐप, ठीक है। सबसे पहले सी आउट लेस किया और यहाँ पे लिखा हमने स्मार्ट बिलिंग ऐप, ठीक है, यहाँ लगाया हमने इसको। तो मैंने यहाँ पे लेस देन देखे एंड लाइन यहीं पर ही ले लिया एक लाइन के ऊपर, सी आउट लेस देन किया और डबल कोट्स करके इसके नीचे स्टारिक या कोई भी डिजाइन डाल दे, इस तरह का डिजाइन भी डाल सकते हैं। अच्छा सर, इससे डायरेक्ट हो जाता है क्या चीज़? एंड लाइन लगाने के, ये शॉर्टकट कर दिया ना, तो दोबारा सी आउट लिखने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यू सी आउट है, बस ये लेस देन लगा के एंड लाइन करना है, एंड लाइन करना है, दो बार करना है, यहाँ पर दो बार लगा के दो बार इसको शॉर्ट करते हैं। देखो ना, मतलब मैं दोबारा सी आउट देता एंड लिखता फिर लाइन होती है एंड, मैंने शॉर्ट कर दिया सी आउट को, एक दफा लिखा बस लेस देन करके एंड लाइन कर दिया, सी आउट को एक बार लिखा फिर एंड लाइन कर दिया यहाँ पे दो बार। तो ये हमने कमांड को थोड़ा शॉर्ट कर दिया, थोड़ा सा एडवांस हो रहे हैं तो इन चीज़ों को देख रहे हैं। तो इसका आउटपुट कुछ किस तरह का आएगा, एफ एल एम दबाया मैंने देखा तो ये लिखा रहा है स्मार्ट लिंक ऐप, इस तरह से लिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं नीचे चल के, एक एंड लाइन यहाँ भी लगा देते ताकि बार बार डिस्टर्ब ना करें, तो यहाँ पे एंड लाइन यहाँ पे लगा दिया। अच्छा, अब चलते हैं यहाँ पे। अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि यूज़र के लिए हमें वेरिएबल कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे, तो आज हम सीखेंगे डबल वेरिएबल डिक्लेयर करना, डी यू बी एल ई डबल। डबल टाइप का जो वेरिएबल होता है वो इंटीजर वेरिएबल से ज़्यादा बड़ी वैल्यू ले सकता है, मतलब कितनी बड़ी वैल्यू, लाखों में नहीं, 38 डिजिट लंबी वैल्यू ले सकता है, 38 डिजिट की वैल्यू, इतनी बड़ी वैल्यू ले सकता है, और इसके साथ साथ डेसिमल वैल्यू भी अपने अंदर स्टोर कर सकता है, मतलब पॉइंट वाली रकम भी अपने अंदर स्टोर कर सकता है, जबकि इंटीजर वेरिएबल ये नहीं कर सकता था। तो यहाँ पे हमने डबल करके प्राइस नाम का एक वेरिएबल लिया और उसको इनिशियली वैल्यू पे जीरो सेट कर दिया, फिर हमने यहाँ पे डबल करके एक और वेरिएबल लिया TY का और उसके इनिशियल वैल्यू जीरो सेट कर, फिर हमने डबल करके एक टोटल नाम का वेरिएबल लिया और उसकी इनिशियल वैल्यू जीरो सेट कर, फिर हमने एक डबल करके डिस्काउंट नाम का वेरिएबल लिया और इसकी इनिशियल वैल्यू जीरो सेट कर दी, फिर हमने एक डबल करके नेट अमाउंट के नाम का एक वेरिएबल लिया और उसकी इनिशियल वैल्यू जीरो कर दी। चलो डबल टैक्स भी लगा देते हैं तो और बड़ा हो जाएगा प्रोग्राम, टैक्स करके एक इनिशियल वैल्यू लिया और उसकी वैल्यू कितना परसेंट टैक्स लगाना है टैक्स कर दिया, डबल करके टैक्स अमाउंट के नाम से एक वेरिएबल लिया और उसकी इनिशियल वैल्यू जीरो कर दी। ये सारे वेरिएबल्स हमारे वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पे सी आउट करेंगे, लेस देन करेंगे और यहाँ पे हम यूज़र को एक मैसेज देंगे और वो मैसेज क्या होगा, एंटर प्रोडक्ट नेम ले लेते हैं, ठीक है, यूज़र एक प्रोडक्ट का नाम डाले, एंटर प्रोडक्ट नेम। अच्छा, अभी इसके लिए मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ, उसे इंटर प्रोडक्ट नेम लिख देते हैं या सेमीकोलन लगा देते हैं और यहाँ पर हमने सेव कर दिया इसको और जैसे प्रोग्राम रन होगा यहाँ लिखा आएगा इंटर प्रोडक्ट नेम। अब यूज़र जब इनपुट डालेगा तो नाम डालने के लिए एक और टाइप का वेरिएबल रिक्वायर्ड होता है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। इसके बारे में तफसील में बाद में पढ़ेंगे, चेयर ले लो, इसके बारे में तफसील से बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये स्ट्रिंग वेरिएबल जो होता है ये कोई भी नाम वर्ड्स को अपने अंदर स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है, कोई भी नेम हो गया, कोई भी वर्ड हो गया, उसको अपने अंदर स्टोर करने के लिए यहाँ पर स्टोर होता है, तो ऐसे वेरिएबल को कहते हैं स्ट्रिंग। तो यहाँ पे कहते हैं स्ट्रिंग प्रोडक्ट नाम के लिए ना, हाँ, प्रोडक्ट के नाम से हमने एक वेरिएबल ले लिया स्ट्रिंग, ठीक है। अब यहाँ पे सी इन करेंगे, सी इन लेस देन और यहाँ पे उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे। तो अब देखें जैसे ही प्रोग्राम चलाएंगे तो यहाँ पे एरर आ गया, अब कह रहा है कि यार ये मैं स्ट्रिंग को नहीं जानता क्या है, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक फाइल ऐड करेंगे हैश इंक्लूड स्ट्रिंग, बस जैसे ये लिखेंगे तो ये देखो अब कह रहा है कि सी इन के आगे आपने ये जो लेस देन लगाया इसके आगे ग्रेटर देन लगेगा और एफ इन करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से ऐड हो गया। वो लिख सकता है यूजर, तो यूजर यहाँ पे लिख देगा सपोज कंप्यूटर, तो ये उसका प्रोडक्ट का नाम कंप्यूटर चला गया।
हाँ, तो इसके अंदर अभी फिलहाल मैं इतना ही समझा रहा हूँ, उसके बारे में बाद में पूरी समझेंगे, इसकी क्लासेस हैं, एक दो क्लासेस में और मजीद समझेंगे। हाँ, बहुत बड़ा है स्ट्रिंग टाइप। तो स्ट्रिंग करके आपने इसका वेरिएबल का नाम लिखना है और उसको इनपुट इस तरह से ले लेना है। अब बस आगे हमारा काम आसान है, तो अब क्या करना है, सी आउट करके एक लेस देन करके हैंडल कर देना। अब हमने आगे जो काम करना है वो थोड़ा आसान है, वो इसको कॉपी करें आप, मैं आसान बता रहा हूँ आपको, ऐसे ही किया करें आप, बार बार टाइप ना करें। इंटर यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्राइस, तो यहाँ पे आपने प्राइस का इनपुट लेना है। और सी इन करके किस पे सेट करना है, प्राइस वाले, इसको सिलेक्ट किया प्राइस को, कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया, दैट्स ऑल। कंट्रोल सी से फिर सेलेक्ट किया, पेस्ट किया, इधर आ गया। आप भी ऐसे ही क्या करें तो आपकी एप्लीकेशन जल्दी बन जाएगी। एंटर क्वान्टिटी, तो कैसे करेंगे, यहाँ ऊपर गए, क्वान्टिटी वाले वेरिएबल डबल क्लिक किया, सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल सी से कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ लाके कंट्रोल वी से क्या कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं आएगी। अब यहाँ पर आ गया सबसे पहले, अब आप एक बनाएंगे लॉजिक। लॉजिक कैसे बनाते हैं, लॉजिक कैसे बनाएंगे कि भाई आपने क्या लेना है, यहाँ पर डिस्काउंट लेना है। अब डिस्काउंट यूजर से इनपुट लेना है, तो यहाँ पर आप उसका पहले जो है टोटल करेंगे ना, टोटल करेंगे, तो पहले आप लिखेंगे सी आउट लेस देन लेस देन, और यहाँ पे लिखेंगे टोटल अमाउंट, यहाँ पे आप लिखेंगे इसका, और यहाँ पे लेस देन करके, तो टोटल की वैल्यू तो यहाँ लेनी पड़ेगी, तो टोटल के वेरिएबल को यहाँ लिखाएंगे उसकी वैल्यू को, और यहाँ पे एंड लाइन लेंगे, लेकिन टोटल हमने निकाला तो नहीं, तो निकालने के लिए हम यहाँ पे एक लॉजिक लिखेंगे, टोटल असाइनमेंट प्राइस वाले वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, क्यू एंड टी वाई वाले वेरिएबल से। ये देखिए मल्टीप्लाई होगा, प्लस होगा, मल्टीप्लाई होगा ना, प्राइस और ये क्वान्टिटी यहाँ से लेके यहाँ पर। अब देखिए यहाँ तक तो हमारा काम हो गया, हाँ, तो शुरू में जीरो है ना, अब जो हम वैल्यू डालेंगे उस पर असाइन हो जाएंगे। ये हमने प्राइस लिखा, शाबाश, 500, और क्वांटिटी लिखी 12, तो 500 चला गया प्राइस के अंदर और 12 चला जाएगा टी वाई के अंदर, तो जीरो रिप्लेस हो जाएगा 500 से और जीरो रिप्लेस हो जाएगा 12 से, और ये टोटल की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 6। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब बनाना है डिस्काउंट, तो यूजर से इनपुट लेना है डिस्काउंट, तो दोबारा इसको सेलेक्ट किया और क्या किया, इसको कॉपी पेस्ट कर दिया और यहाँ पे करा एंटर डिस्काउंट, तो यहाँ पर आप लिखेंगे एंटर और यहाँ पे डिस्काउंट। ठीक है, तो डिस्काउंट की इनपुट किस पे लेना है, डिस्काउंट वाले वेरिएबल में डबल क्लिक किया, यहाँ पर कर दिया। अब डिस्काउंट कितना लेगा, सपोज टू भी जितना आप दोगे उसको डिस्काउंट, सपोज टू भी एलसीडी और कितने की, 6,500 रुपये की दो पीस, डिस्काउंट दिया हमने इसको 500 आ गया। अब उसको वो माइनस करना है इसमें से, तो हम यहाँ पे डिस्काउंट को दोबारा से लॉजिक बनाएंगे। हम कहेंगे जी भाई डिस्काउंट कितना दिया, 500 रुपये का दिया, तो अब यहाँ पर हम ये करने वाले हैं कि टोटल अमाउंट को डिस्काउंट से माइनस करेंगे, टोटल अमाउंट को डिस्काउंट से माइनस करेंगे और उसको नेट अमाउंट में रखवा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेट अमाउंट वाला वेरिएबल लिखेंगे असाइनमेंट, और यहाँ पे करेंगे टोटल माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो ये डिस्काउंट उसमें से माइनस हो गया। अब जब माइनस हो गया तो फिर उसका आउटपुट बनाएंगे, तो यहाँ पे हमने आउट ये बनाया था, इसी को कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस कर देंगे। अब तो वैसे ऊपर नीचे कहीं भी लगा दो ना, हाँ, यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंटेड अमाउंट। ठीक है, और यहाँ पे आप कौन सी वैल्यू दिखा देंगे, नेट अमाउंट की वैल्यू दिखा देंगे, तो यहाँ पे अलाइन कर देंगे। यहाँ पे देखिए आप जाके, यहाँ पे आपने लिखा सब कुछ कंप्यूटर और ये था 15,000 रुपये का, करके 10 पीस, तो ये कह रहा है डिस्काउंट कितना किया, हमने 2,000 रुपये का डिस्काउंट किया, तो आ गया 1,43,000 रुपये इसमें निकाल गया। अब इस पे लगाना है टैक्स। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा जहन में रखना है कि पहले टैक्स लगा देते हैं, डिस्काउंट करना है, तो उसके लिए भी कोई टेंशन वाली काम बड़ी बात नहीं है, तो टैक्स पहले लगाते हैं बाद में लगाते हैं, तो इसी स्टेटमेंट को आप ऐसे लिखेंगे, एक लेंगे आप टैक्स वाला वेरिएबल और एक टैक्स अमाउंट, तो यहाँ से लिखा टैक्स अमाउंट और यहाँ पे आपने पहले दिखाया टैक्स अमाउंट इज इक्वल टू टैक्स, तो यहाँ पे लगाएंगे आप टोटल मल्टीप्लाई बाय टैक्स और डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ से निकल के क्या आएगा आपका टैक्स अमाउंट, ये टैक्स निकालने का फॉर्मूला है, 18% टैक्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका आउटपुट कैसे लेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टैक्स अमाउंट, ये टैक्स अमाउंट आएगा टैक्स अमाउंट, और यहाँ पे हम टैक्स अमाउंट की वैल्यू को कंट्रोल सी कंट्रोल वी प्रेस करके दिखा देते हैं। ठीक है, अब डिस्काउंट जो है वो इसके नीचे चला जाएगा, ये देखें अलग अलग कोड करने से फायदा ये हो रहा है, ये वो हम बाद में कर लें, जो बाद में करना है बाद में कर लें, जो पहले करना है वो पहले कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो टैक्स लग जाएगा। अब टैक्स अमाउंट जो है टैक्स अमाउंट के अंदर है, उसको प्लस करना है टोटल के अंदर, तो कैसे करेंगे, टोटल को अपडेट कर देंगे, टोटल इज इक्वल टू, और बल्कि हाँ टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस टैक्स, ये आपका टैक्स प्लस हो गया टोटल में और टोटल की वैल्यू अपडेट हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए चला के प्रोग्राम को अपने रन करें, कंप्यूटर हो गया यहाँ पे,
25,000 रुपए का कंप्यूटर है, 15-20 बेचे तो बिल ये बनाए और टैक्स पे लग गया, ठीक है। अब डिस्काउंट, अब 2,000 रुपए का डिस्काउंट किया है तो कम होगा इसका समय, ठीक है, समझ में आई बात ये। तो डिस्काउंटेड अमाउंट अब आपका निकल गया, टैक्स अभी लगाया ना हमने, खुद कैसे लगेगा ये, हमने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किया है ना टैक्स के ऊपर, 18 वैल्यू दी थी, सर जीरो लिखते हैं तो फिर डालना पड़ता है ना, फिर डालना पड़ता है, तो टैक्स तो फिक्स्ड होता है ना, इसलिए डालने की जरूरत नहीं है, तो ये लेकिन हम कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं उसका, सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब टैक्स अमाउंट निकला, अब टैक्स को डिस्प्ले नहीं कराया हमने कि टैक्स कितना परसेंट लग रहा है, तो इसी वैल्यू को यहाँ पर हम एक लिख देते हैं सी आउट लेस देन लेस देन, और यहाँ पे लिखे टैक्स कितना परसेंट लग रहा है, लेस देन टैक्स की वैल्यू दिखा देंगे, फिर लेस देन उसमें परसेंट का साइन लगा देंगे, फिर लेस देन एक नई लाइन लगा देंगे इसके अंदर, तो ये थोड़ा सा और क्लियर मैसेज चला जाएगा यूजर के पास। LCD 5,500 रुपये की है, 10 पीस तो आ गया, टैक्स कितना परसेंट लग रहा है, 18%, टैक्स का अमाउंट कितना बन रहा है, डिस्काउंट देना, हाँ अब यहाँ पे डिस्काउंट देना, अब इसमें हमें टोटल अमाउंट फिर भी नहीं दिखाया हमने कि उसके साथ दिखाना था, फिर डिस्काउंट 2,000 रुपये का, ठीक है, तो अब टोटल अमाउंट कैसे दिखाएंगे यहाँ पे कि भाई यहाँ पे हमने टोटल टैक्स को दिया ना, यहाँ पे एक और मैसेज दिखाएंगे, यहाँ पे करेंगे कॉपी और यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे ये आ गया आपका, एक और लॉजिक दिया है, ठीक है, नेट अमाउंट दिखा देते हैं यहाँ पे, टोटल टोटल अमाउंट विद टैक्स, ठीक है, और यहाँ पर हम एक टोटल की वैल्यू को दोबारा से दिखा देंगे, ठीक है, यहाँ पे हम दिखा देंगे और उसके बाद ये आपके सामने से आ जाएगा। यहाँ पर आपने फिर से रन किया, अब यहाँ पे डाला आपने LCD, फिर प्राइस लिखा 6,000 रुपये, 20 पीस, यहाँ बैठे, ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा यहाँ पे इंटर डिस्काउंट, और यहाँ पर हमने जैसे लिखी वैल्यू, टोटल अमाउंट 18% चल रहा है, टैक्स अमाउंट आ गया इसके ऊपर, तो टोटल अमाउंट विद टैक्स बन गया 1,20,000 रुपये, हाँ 1,20,018 रुपये, डिस्काउंट किया हमने इस पर 2,000 रुपये का इंटर किया, तो 1,18,018 रुपये आपका आंसर यहाँ पे आ गया, ठीक है, समझ में आ गई, और ये आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई। अब इस एप्लीकेशन को अगर आप चाहें तो सपोज टू भी आप इसको सेव कर दें, अब भले इसको क्लोज कर दें यहाँ से, और यहाँ पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट्स में चले जाएँ, डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद यहाँ से क्लिक करें C++ वाले फोल्डर पे चलते हैं वहाँ पे, तो ये आपकी बिलिंग ऐप किसी को भी आप कंप्यूटर पर दे दें वो चलाएगा, जब वो चलो पेस्ट कर सकते हो क्या, अभी प्रिंट वाले में उसके लिए अलग कमांड है प्रिंट्स के लिए, सर अच्छा ये तो सर आपने एक नॉर्मल ऐप बना दी, हाँ लेकिन सर एक वो डिजाइनिंग वाली कौन सी होती है जिसका एक लोगो भी आता है, देखो ये अभी हम सीख रहे हैं प्रोग्रामिंग, अच्छा जो विजुअल बेसिक .NET सीखेंगे उसके अंदर हम विजुअल प्रोग्रामिंग सीखेंगे ना, मुझे थोड़ी प्रोफेशनल बात है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसमें आपको हेल्प करेगी यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फॉर्मूला तो यही है ना, जी जी 15,000 डिस्काउंट 500 रुपये, ये सही है, ये भी बनी ना, ज़्यादातर एक मार्ट में यही इस्तेमाल होता है प्रोग्रामिंग, बस यही सारा हो गया।